दोस्तों, भारत में रेलवे नेटवर्क अब विश्व स्तर का बनता जा रहा है। ट्रैक से लेकर ब्रिज तक भारतीय रेलवे अपनी उपलब्धियों से दुनिया को टक्कर दे रहा है। पूर्वोत्तर में दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल बन रहा है, जिसके पिलर की लंबाई अब तक सबसे ज्यादा है। इस पुल का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। तो आइए जानते हैं इस पुल के बारे में। सबसे लंबे पिलर यानी खम्बे पर बन रहा नौनी ब्रिज 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट इम्फाल को देश के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ेगा। 141 मीटर की ऊंचाई वाला नौनी ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल है, जिसका 93.30% काम पूरा हो चुका है। जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना में 111 किलोमीटर लंबा है। इस रेलवे प्रोजेक्ट में दुर्गम इलाकों में कई सुरंगें और पुल शामिल हैं। नौनी ब्रिज 141 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यह पुल यूरोप में मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट का रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिसकी ऊंचाई 139 मीटर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2023 तक 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही मणिपुर की राजधानी इम्फाल भारतीय रेलवे नेटवर्क में आ जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने कहा कि 14,322 करोड़ रुपए की यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस परियोजना में सुरंगों की कुल लंबाई 61.32 किलोमीटर है, जिसमें से 59.11 किलोमीटर सुरंग बनाने का काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट में कुल 11 बड़े पुल और 137 छोटे पुल होंगे, जिनमें से 5 बड़े पुल और 101 छोटे पुल बनकर तैयार हो गए हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद जिरीबाम से इम्फाल तक पहुंचने के लिए लगभग 10 घंटे की वर्तमान सड़क यात्रा का समय ट्रेन के जरिए घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।